विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंश कल्प दरु विश्व कृपा सिंधु के वचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुगाथादि गौरव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, तो सर्वप्रथम मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ हिजरेश राम रतन प्रभु जी के प्रति, जिनकी कृपा से मैं ये जपा सेशन अटेंड कर पाया हूँ। और करीब 1 वर्ष से मैं प्रभु जी की कृपा से ये जपा सेशन अटेंड कर पा रहा हूँ। जपा टॉक के जो भी लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर पा रहा हूँ। और दूसरा, आज का जो टॉपिक है, एक इस्कॉन पंजाबी बाग टेम्पल जो कि दिल्ली में है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हिजबेश रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, उनका एक लेक्चर अटेंड किया था मैंने। तो उसमें जो उनका टॉपिक था, हाउ टू इम्प्रूव डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा, ये कृष्ण के प्रति जो है डिपेंडेंसी या कृष्ण के प्रति रति कैसे उत्पन्न करें, उसके लिए प्रभु जी ने 5 पॉइंट्स बताए थे। तो वही जो 5 पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो प्रभु जी बता रहे हैं उसमें, कि अपने पिछले जीवन की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को देखना कि कैसे कृष्ण कृष्ण ने हमारी रक्षा की है। तो इसमें प्रभु जी कुंती महारानी का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब भी उनके पास ऐसी परिस्थितियां आई तो कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। जैसे लाक्षाग्रह वाला जो घटना घटा, या फिर महाभारत के युद्ध में रक्षा करी, या द्रौपदी वाले जो घटना हुई उसमें भगवान ने रक्षा करी। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ऐसे ही हमें अपने पिछले जीवन की जो एक्टिविटी है उनको देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जो पीछे घटा तो बहुत ही खतरनाक हो सकता था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता था, लेकिन भगवान ने उस परिस्थिति में हमारी रक्षा करी। ऐसे ही एक मेरा भी घटना रहा। अभी रिसेंटली हम लोग वृंदावन जा रहे थे, इसी कार्तिक मंथ में वृंदावन जा रहे थे। तो हम लोग मेट्रो से ही ट्रेवल कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो मेरा बेटा है, हम लोग एक्सीलेटर से मेट्रो चेंज कर रहे थे। तो वो एक्सीलेटर से पूरा अच्छा खासा, बहुत ज्यादा स्लोप था उसमें, और वो ऊपर से सीधा एक्सीलेटर से रोल करता हुआ सीधा नीचे आके गिरा। और वो करीब करीब -2 बेसमेंट में हमें जाना था एक्सीलेटर से, वो सीधा नीचे आके गिरा। और हम लोग बहुत ज्यादा चिंता में थे कि पता नहीं क्या होगा, और कोई भी नहीं था। सुबह का टाइम था, हम लोग 5:30-6 बजे करीब ऐसे जा रहे थे। तो और कैसे, मेरी मेरी गोद में मेरी बेटी थी और मेरी जो वाइफ थी वो पीछे की साइड खड़ी थी। और वेदांग जो बेटा था वो ऐसे एक्टिविटी करता हुआ वो जंप किया 1-2 बार और सीधा रोल करता हुआ नीचे गया। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, मतलब कि बहुत ही, हमें ये उम्मीद थी कि बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन जब हम नीचे पहुंचे, भागते हुए नीचे पहुंचे, एक्सीलेटर पे चलते हुए नीचे पहुंचे, तो वो हल्का सा रोया और रोने के बाद उठ गया। हालांकि उसे हाथ में थोड़ा बहुत चोट आया, अंदर अंदरूनी चोट आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सब लोग जो पब्लिक वहां इकट्ठी हो गई ऐसे करके कि क्या हुआ है, कैसे गिरा है ऐसे करके। और स्पेशली हम वृंदावन भी जा रहे थे तो हम सोच रहे थे कि क्या करें, वापस घर जाएं क्या, या चलें वृंदावन। तो मेरा बेटा ही बोला, पापा चलो मैं ठीक हूँ ऐसे ऐसे करके। तो हम सोच रहे थे कि बहुत ही ज्यादा होने वाला था, लेकिन भगवान ने हमारी रक्षा करी। ऐसी एक और इंसिडेंट घटा था, जब मेरा बेटा 2nd फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिरा था मुंह के बल, तो उस टाइम भी भगवान ने रक्षा करी थी हमारी। इन सब घटनाओं से बहुत सारे भक्तों की भी ऐसी हम लोग ने सुनी है घटनाएं, जो कहते हैं कि बहुत ही बड़ा होने वाला था, बहुत ही बड़ा होने वाला था, बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हुआ कि वो भगवान की कृपा है कि ऐसे बच गए। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी भी यही बता रहे हैं कि
कि हमें जो पिछली घटनाएं घटी है ना उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि कितना कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से हम जो भी थोड़ा छोटा मोटा भक्ति भी कर रहे हैं, इतने बड़े भक्त तो नहीं है, स्पेशली मैं इतने बड़े भक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, कि मतलब हम थोड़ा सा भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न कर रहे हैं तो भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं भगवान के प्रति तो भगवान हमारी कितनी मतलब पूरे कुंती महारानी की तरह भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। दूसरा ये था, हमें उन लोगों का संग करना चाहिए जिन्हें कृष्ण में पूर्ण विश्वास है। प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें उन लोगों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, जो भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो उसमें भी प्रभु जी विदुर जी का एग्जाम्पल दे बता रहे हैं कि विदुर जी को कुंती महारानी को और पांडवों को विदुर जी का संग भी प्राप्त था। वो बीच बीच में उन्हें परामर्श दिया करते थे कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, ऐसे ऐसे करके। तो विदुर जी भी भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनका एसोसिएशन कुंती महारानी को प्राप्त था। तो ऐसे बता रहे हैं प्रभु जी की हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें स्मरण दिला सके कि हमें भगवान के प्रति डिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट नहीं रहना है। तो तीसरा ये था कि टेकिंग रिस्क फॉर कृष्णा, कि कृष्ण के लिए खतरा मोल लेना चाहिए। इसमें प्रभु जी बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, ये हम लोगों के लिए है, सबके लिए है, कि हमें भगवान के लिए खतरा मोल लेना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा बता रहे हैं कि आज के टाइम में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सबसे बड़ा खतरा मोल लेना है, कि अभक्त और भक्त बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जो जिनकी भगवान में रुचि नहीं है या शास्त्रों में रुचि नहीं है, उनको हम लोग विनम्र भाव से जाके और प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं कि प्रभु जी भगवत गीता ले लो ऐसे करके। तो ये कृष्ण के लिए सबसे बड़ा खतरा मोल लेने वाली बात बता रहे हैं प्रभु जी। और भक्तों से भी, अभक्तों से भी मिलते हैं हम, ऐसे भक्तों से भी मिलते हैं जिनको प्रचार करते हैं, इनडायरेक्टली प्रचार करते हैं। तो ऐसा है, उसमें गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी एग्जाम्पल बता रहे हैं प्रभु जी की, वो मुस्लिम कंट्रीज में भी जा जा के प्रचार करते हैं। तो वो खतरा मोल लेते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रति हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ेगी, ऐसा करके जाए। चौथा ये था कि जीवन की हर परिस्थिति में गुरु साधु शास्त्र का पालन करना चाहिए, कि गुरु और साधु और शास्त्र जो है जो कहते हैं उनका पालन करना चाहिए। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, गुरु के एग्जाम्पल्स में अपने प्रहलाद महाराज हैं जिन्होंने अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया, या फिर ध्रुव महाराज हुए, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बोला कि बिमला प्रसाद जाओ और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से जाके देख चलो। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने डिसाइड किया था कि मैं अपना एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कर्म बंधन में नहीं फंसना है, इसलिए मैं अपना एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो बिमला प्रसाद जो थे भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो इंतजार करते हैं और जा जाके रो के बोलते हैं, गौर किशोर दास महाराज के सामने जाके बोलते हैं कि करुणा न हई ले कांदी या कांदी या प्राण न रखी गुहार। कह रहे हैं कि अगर मेरे पे करुणा नहीं करेंगे, मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा। तो ऐसे जो गुरु हैं और ऐसे जो शिष्य हैं, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल आता है कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की शरण ली और उनके आज्ञा का पालन करके पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार किया। और साधु के एग्जाम्पल में जो साधु संघ का एग्जाम्पल है, उसमें उसमें भी नारद जी का एग्जाम्पल आता है कि वो कैसे भक्त बने। और प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल आता है कि उनके पिताजी जब प्रभुपाद छोटे थे तो कैसे साधु संतों को बुलाया करते थे और उनका संग मिलता था प्रभुपाद जी को, तो वहां से उनको भक्ति का मिला, भक्ति का भक्तों का संग मिला और कृष्ण पे डिपेंडेंसी बढ़ी उनकी। तीसरा, शास्त्र का पालन करना। शास्त्र के पालन करने में भी अपने बहुत सारे जो गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने भी शास्त्र का पालन करके कृष्ण के प्रति डिपेंडेंसी उत्पन्न करी है, ऐसा करके।
और पांचवा प्रभु जी बता रहे हैं कि हर परिस्थिति में मृत्यु का स्मरण रखना कि मेरी जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है, तो उसका स्मरण रखना चाहिए। इससे हम भी हमारे अंदर जो है कृष्ण के प्रति डिपेंडेंसी उत्पन्न होगी। तो यही जो 5 पॉइंट्स थे, मैं सोचा कि डिस्कस करता हूँ, और प्रभु जी ने जो बताए इसको मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। तो यहीं पे मैं अपना जपा टॉक समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, धन प्रणाम।